मैथ्स करने के तो स्प्रिंग जो टॉपिक कर रहे हैं वही हम लोग को अभी कंटिन्यू करना है। उसको हमने स्मॉल एक्स वन और स्मॉल एक्स टू की वैल्यू जो थी वो कल निकाल ली थी। अब हम लोग का उसके अंदर हम लोग को जो सब टॉपिक करना है आज वो है नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सामान्य विधा आवृत्तियां हमको निकालनी है उसकी, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो सामान्यतः दोनों युग्मित द्रव्यमान जो है वो बराबर नहीं होते। जनरली क्या होता है, दोनों जो कपल्ड मास है वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए व्यापक रूप में सामान्य विधा आवृत्तियों ज्ञात करने के लिए, मतलब जनरल फॉर्म में जो उनके नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज हैं वो फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली युग्मित द्रव्यमानों की गति के समीकरण लिखकर सामान्य विधा में एक हल मानकर गति के समीकरण द्वारा सामान्य विधा में आयामों की तुलना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मासेस है, मासेस के मोशन का जो इक्वेशन आया है हमारा, उसमें उसको इक्वेशन को लिखकर हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल मोड्स है उनका कोई भी एक सॉल्यूशन अज्यूम करके जो मोशन के इक्वेशन है, ठीक है, उसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के एम्पलीट्यूड से क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और फिर परिणामी समीकरण को हल कर लेते हैं। जो रिजल्टेंट जो इक्वेशन आएगा उसके एम्पलीट्यूड से उसको कंपेयर करने पे जो भी इक्वेशन आएगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माना कि N1 और N2 हम लोग हाँ, तो मैं बोल रही थी कि M1 और M2 दो द्रव्यमान, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज, दो मासेस जो है जिनका जो बल नियतांक है, जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है, K, और दो स्प्रिंगों के सिरों से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, दो स्प्रिंग के एंड से जो दोनों मासेस है वो क्या है, कनेक्टेड है, और इन्हें के डैश बल नियतांक वाली, इनको जो है के डैश फोर्स कॉन्स्टेंट वाली स्प्रिंग द्वारा युग्मित किया जाता है। इन दोनों को ही एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट के डैश है उसे क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट किया जाता है। तो युग्मित द्रव्यमानों की गति का जो समीकरण होगा, ये जो कपल्ड मासेस के मोशन का जो इक्वेशन होगा वो कैसा आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो दोनों ही मासेस के द्रव्यमान M1 और द्रव्यमान M2, मास M1 और मास M2 के मोशन का जो इक्वेशन है, इसके गति का जो समीकरण है वो ये है। अब माना कि इनके जो हल है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, X1 का सॉल्यूशन है A1 cos NT+5, ठीक, और X2 का सॉल्यूशन क्या है, A2 cos NT+5, ठीक है। यहाँ पे n जो है, n क्या है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और phi क्या है, phi है प्रारंभिक कला कोण, ठीक है, phi जो है वो इनिशियल फेज एंगल है। अगर हम लोग ऐसा पुट करें, K²X1 / D²X1 / DT² = क्या, -N²X1, ठीक, और
ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर की ये वैल्यू और डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर की ये वैल्यू है। तो इक्वेशन वन से एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज पुट करने पे ठीक है क्या हो जाएगा देखो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है के अपॉन एम वन को, क्या पुट किया है, ओमेगा स्क्वायर पुट किया है ठीक है, और के डैश अपॉन माइनस एम टू को इसको भी क्या किया है ओमेगा स्क्वायर जो है वो पुट किया है। अच्छा ओमेगा स्क्वायर लिखना मुझे थी, ओमेगा स्क्वायर पुट किया है ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया है, जब हम लोग इक्वेशन 12 इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रखे हैं तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे ठीक है। तो भाग देने पे क्या होगा, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस के डैश अपॉन एम टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस के अपॉन एम वन माइनस एम स्क्वायर ठीक है। ये हमने क्या किया है, दोनों को डिवाइड कर दिया है। या इसको सॉल्व करने पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखो, या रुको ऐसे रुको एक मिनट, हम लोग का जो अभी जो इक्वेशन आया था इक्वेशन 12 में एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट करने से जो इक्वेशन आया था वो कौन सा था, ओमेगा स्क्वायर प्लस के डैश अपॉन एम वन माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स वन इक्वल टू क्या था, के डैश अपॉन एम वन एक्स टू, ये एक इक्वेशन था ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था, इसमें से पहला इक्वेशन देखना, पहला वाला इक्वेशन ठीक है। अगर मैं लिखूं एक्स वन अपॉन एक्स टू ठीक है पहले इक्वेशन से, तो क्या होगा के डैश अपॉन एम वन अपॉन में क्या आएगा,
ये वाली चीज आएगी, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन, अगर ये वाला इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ से x1 अपॉन x2 क्या आ जाएगा? ये दोनों में जो x1 और x2 की वैल्यू है वो क्या आ गई है? अलग अलग आ गई है। अब अगर x1 और x2 जो है वो क्या है? अशून्य है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से x1 अपॉन x2 और यहाँ से x1 अपॉन x2 दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, तो ठीक है, दोनों की अगर तुलना करते तो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके। क्या होगा? k डैश अपॉन m1 इनटू k डैश अपॉन m2, ये ऐसे आ जाएगा। ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और इधर वाली चीज ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये के डैश का स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर के डैश अपॉन m1 माइनस ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा k डैश का स्क्वायर m1 m2 देखो हमने क्या किया है, पहले ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई किया है ना, तो फिर से देखोगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? ओमेगा की पावर 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस टर्म, तो ओमेगा स्क्वायर k डैश अपॉन m1, फिर ओमेगा स्क्वायर ये, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये बीच वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? के डैश m2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस के डैश का स्क्वायर अपॉन m1 m2 और माइनस एन स्क्वायर के डैश अपॉन m2, ठीक, माइनस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के डैश अपॉन m1 और प्लस क्या हो जाएगा? एन की पावर 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे के डैश स्क्वायर m1 अपॉन m2 यहाँ पे भी है, के डैश स्क्वायर m1 अपॉन m2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या क्या बचेगा अपने पास? ये होगा 0,
इतना इतना सब बचा अपने पास, आप इसमें से जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं n की पावर 4, जो लास्ट में n की पावर 4 है उसको पहले लिखती हूँ, ठीक है? फिर माइनस कॉमन लेती हूँ और n स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, माइनस भी कॉमन लिया n स्क्वायर भी कॉमन लिया, ठीक? तो क्या आएगा मेरे पास, ये देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है? और एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर आया 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के डैश अपॉन एम वन और के डैश अपॉन एम टू, है ना? एन स्क्वायर के साथ है यहाँ पे, ये देखो एन स्क्वायर के साथ ये के डैश अपॉन एम टू और एन स्क्वायर के साथ के डैश अपॉन एम वन, तो ये भी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगी, देखो ओमेगा की पावर 4 है तो अंदर एक क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही, और ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या क्या है, के डैश अपॉन एम वन और वहां पे भी के डैश अपॉन एम टू, तो ये के डैश अपॉन एम वन प्लस के डैश अपॉन एम टू, ठीक? ये आ गया ये इक्वेशन। अब यहां से क्लियर है कि इस इक्वेशन में एन स्क्वायर की द्विघाती है, ठीक है? मतलब एन जो है उसका पावर 2 है, जिसके हल जो है मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, मतलब इस इक्वेशन को हम लोगों जो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन का, वहां से जब हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो एक वैल्यू आएगी इसकी ओमेगा स्क्वायर और दूसरी वैल्यू जो आएगी उसकी वो क्या होगी, ये हम लोग की एन एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये है दूसरी वैल्यू ये है, और विशेष स्थिति में मतलब स्पेशल कंडीशन में जब m इक्वल टू एम टू होगा, एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम होगा, ठीक है? जब इस इक्वेशन में ऐसा रखेंगे तो हम लोग का वो जो एन वन स्क्वायर की वैल्यू है, यहां से एन वन स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के अपॉन एम होता है ना? ओमेगा स्क्वायर तो अपन देख चुके, के अपॉन एम लिए थे इसको, और ये वाली जो वैल्यू है ये देख सकते हो आप, एन टू स्क्वायर की जो वैल्यू है ये क्या होगा, देखो 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एम होगा, 2 अपॉन एम होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 के डैश अपॉन एम, ठीक? तो ये क्या है, ये हम लोग के जो इक्वेशन आया था सबसे पहला इक्वेशन किसका, ओमेगा वन और ओमेगा टू के लिए, ठीक है? मतलब फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का जो है क्या है, व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक? तो ये हमने क्या देख लिया है, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी जो है, सामान्य विधा आवृत्ति जो है यहाँ पे ये खत्म कर दिया है। अब अगला जो हम लोग को निकालना है वो है दोनों युग्मित द्रव्यमानों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ टू कपल्ड मासेस। तो हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, अब एनर्जी निकालते हैं। तो अब यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य मतलब दोनों ही मासेस के बीच में अगर युग्मन जो है वो कमजोर है, मतलब उनका जो कपलिंग है, दोनों मासेस जहां पे कपल हो रहे हैं वो क्या है, अगर वीक है, ठीक है, वो कमजोर है, तो
ओमेगा टू, ठीक है, ओमेगा टू या एन टू बोल सकते हैं, ठीक है, या ओमेगा वन या एन वन, दोनों में अंतर बहुत कम होगा, ठीक है। मतलब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसीज हैं, जो हम लोग की कोणीय आवृत्तियां हैं, उन दोनों में क्या होगा, अंतर बहुत कम होगा। और हमने जो सॉल्यूशन लिया था उसका कैपिटल ए और कैपिटल वी वाला, ये जो सॉल्यूशन लिया था हमने, ये क्या होंगे, ये दृष्टिगत अंतर होने में कुछ समय लगेगा। मतलब इनमें जो हम लोग जो इनमें जो डिफरेंस देख सकते हैं, वो डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम डिफरेंस होगा ए और बी में, ठीक है, कैपिटल ए और बी में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिति अज्यूम करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन जो है वो अज्यूम करते हैं, जहां पे दोनों समीकरण, कौन से दोनों समीकरण जिसको हमने एक्स का सॉल्यूशन लिया था, लिख के दिखाते हैं, हमने एक्स वन का सॉल्यूशन लिया था ए कॉस ओमेगा एवरेज थी, ठीक है, और एक्स टू का सॉल्यूशन लिया था बी कॉस ओमेगा एवरेज थी, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन है, ये क्या करेंगे, सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो कि सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कण की जो ऊर्जा होती है, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, वो हम लोग देख चुके हैं, है ना, यूनिट 3 में क्या आती है हम लोग की पार्टिकल की एनर्जी, 1/2 ma² ओमेगा², ठीक है। तो इसीलिए ए और बी द्रव्यमानों की ऊर्जाएं जो होंगी, ए और बी जो पार्टिकल है या जो मासेस है ना, उनकी जो क्या होगी, एनर्जी होगी, वो कैसी होगी, वो हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एनर्जी तो हम लोग देखते हैं उसकी एनर्जी कैसी होगी, ऊर्जा कैसी होगी, E1 मतलब पार्टिकल वन के लिए, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए के लिए जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, 1/2 ma², यहाँ पे स्मॉल ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है, सॉरी सॉरी, और क्या होगा, कैपिटल ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आयाम जो है, हम लोग एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए लिए है, तो यहाँ पे कैपिटल ए का, इस एक जगह कैपिटल ए का स्क्वायर आएगा, ठीक। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ma² ओमेगा एवरेज का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा मॉड टी, ठीक है, जहां पे ओमेगा जो आपको ये दिख रहा है, ओमेगा मॉड दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, अच्छा, क्योंकि ये जो ए है, ए की वैल्यू हम लोग कल एक और निकाले थे, ए की वैल्यू अगर हम लोग को इक्वेशन कल याद होगा तो ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, प्रिंसिपल सर आ गए क्या? तो उस इक्वेशन के अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू अगर रख के देखते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। और जो सेकेंड एनर्जी होगी, E2 जो होगा, E2 कैसा होगा, उसकी वैल्यू हम लोग की ये आएगी, क्योंकि
एक क्वेश्चन था, ठीक है। और वी मॉड क्या है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टू की वैल्यू को हमने यहाँ पे वी मॉड लिखा है, ठीक है। तो स्प्रिंग द्वारा युग्मित दोनों द्रव्यमानों की जो कुल ऊर्जा होगी, मतलब स्प्रिंग के थ्रू जो दो मासेस जो कपल्ड किए गए हैं उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी, जिसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, दोनों में जो है ये वाली चीज, ये वाला जो टर्म है ये दोनों में कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा मॉड टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा मॉड टी। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो वो वन हो जाएंगे, और हम लोग की ये जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, टू एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एवरेज का स्क्वायर, ठीक। तो ये था एनर्जी ऊर्जा की थी। तो यहाँ पे जो है हम लोग का फाइनली ये जो टॉपिक था, क्या युग्मित द्रव्यमान जो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टू कपल्ड मासेस कनेक्टेड टू स्प्रिंग, यहाँ पे ये खत्म होते हैं। अब इसमें आप लोगों को अगर कोई डाउट पूछना है पूरा जो हुआ है